बात है। नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी बैठा हुआ है। देखिए वो हर जगह हर तरफ ये बता रहे हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है और हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और हम वो करेंगे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। और भीम यूपीआई जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत है दुनिया में नंबर वन। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया, भीम यूपीआई के जरिए कैसे लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हुए, भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया में लगातार लोकप्रिय हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसको मैं कहूंगा अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। हमारे पास प्लानिंग नहीं, प्लानिंग नहीं है, लेकिन देखिए प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको उसके साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। लेकिन मोदी ने वहां पे आईटी सिस्टम दिया। जरा आप डील्स तो देखिए, आप मुआहदा तो देखिए कि इस रिपब्लिक डे पर इंडिया के जो एग्रीमेंट्स और जो बड़े ये हो रहे हैं उसमें 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, 26 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स एंड 3 सबमरीन्स। ये तो अभी सामने की बात है, थोड़ी देर है दूसरे ममालिक को, वो तो खुद देख रहे हैं डेवलप है, इंडिया में जाते हैं पता चलता है इतना डेवलप हो चुका है। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल। लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया, मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा। हमारे पास क्या है? अच्छा, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अगर दुनिया का कोई भी कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी जो हमारे साथ थे और आज बहुत दूर चले गए हैं, आज तो हम उनके साथ अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ आप कंपैरिजन ना किया। अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया जब वो दे रहे थे, तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मार्केटिंग, मार्केटिंग कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको उसके साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे उनको। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा, सारी चीजें जो हैं वो अगर जोड़ी डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए और सबसे पहले वहां से मैं इसको इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ, और उसके उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान, सारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे, तो तू हारन बजा के डर गए, हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। और तारीफ करूं क्या भारत की, जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया, और वो कंट्रीज जो हैं
जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं, माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास पास आएँ। लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं। और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं ऐसे पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है, ठीक है, ओवरऑल जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये सरप्राइज़ है। मेरे ख्याल में देखें ये होती हैं कामयाब जो ममालिक होते हैं, कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है, ठीक हो गया, और हमें बड़ी खुशी होती है। हम कम से कम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस एक डेकेड से, कई डेकेड से इंडिया के साथ जो है ये जो खास तौर पर डिफेंस की डील्स जो है वो करता रहा है, और इसमें जो है उसने कई एक मरतबा इंडिया ने वहां से फ्रांस से जो है ऐसे खरीदी है अपना जो असलहा है, और इसके अलावा भी जो भी उनको जरूरत होती है इस हवाले से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी, यानी ये जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये तमाम उनको डिफेंस की सपोर्ट की जा रही है, उसमें इसके साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी, इंडिया ने कहा है कि हमें ट्रांसफर करो, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है इंडिया में। ये सबसे बड़ी बात है, ये तो डील कर लेना, पैसे दे के ये ले लेना, वो एक अपनी जगह पर है कि आपने क्या क्या डील की है, किस तरीके से, कौन से एग्रीमेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना हर मुल्क नहीं कर पाता। वैसे तो ये भी हर मुल्क नहीं कर पाता जो वो कर रहे हैं। हर मुल्क को आप छोड़िए, हम तो अगर अपने उस रीजन की बात करें वहां पे तो कोई भी नहीं कर पाता, मतलब दूर दूर तक वो कोई सोच ही नहीं सकता। कि देखिए ना, पाकिस्तान में ऐसा सोचा जा सकता है? मुझे बताइए कि हम प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाएंगे, हम यूएई के प्रेसिडेंट को बुलाएंगे, हम प्रेसिडेंट बाइडेन को बुलाएंगे और वहां पर जो है रोड शो करेंगे, वो कहेंगे भाई क्यों मरवाना है, की कर रहे हो, अल्लाह ना हो की हो गया जी, कि जब आपके मुल्क में अमन भी हो, आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल हो और वो फ्लरिश कर रही हो, आपको कोई मसले मसाइल ना, और दुनिया आपकी बात सुनती हो और आपके पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन रिलेशंस हो, फॉरेन पॉलिसी आपकी कमाल की हो, और आप जिसको बुलाएं वो आ जाए, और फिर आप उसको अगर कहें कि हम आपको इस तरीके से जीप में लेकर चल रहे हैं और अपना मुल्क दिखाएंगे, अपना शहर दिखाएंगे, वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सत्य ही खाना, चले जी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो खतरा नहीं है।